शेखावाटी में अगर बदलाव लाने की शुरुआत अगर किसी ने की हो, मैं शुरुआत शब्द बोल रहा हूं, फिर कारवा जुड़ता गया, शुरुआत अगर किसी ने की हो तो उसका नाम है श्रवण सीएस। यहां शेखावाटी में बीजारोपण किया कि ग्रामीण परिवेश के, गांव के, किसान के, मजदूर के ठीठ ठाणी में बैठे व्यक्ति का बेटा और बेटी भी क्या डॉक्टर और इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, आईएएस क्यों नहीं बन सकता, आरएएस क्यों नहीं बन सकता। और इसी का परिणाम है कि हजारों हजारों सीकर से यहां से डॉक्टर और इंजीनियर हर वर्ष बन करते जाते। मैं मेरी धर्मपत्नी के साथ में एक बार सिंगापुर गया था पिछले 2012 में, तो वहां एक लड़का मेरे से मिलने आया और उसने परिचय दिया कि मैं झुंझुनू का हूं। तो मैंने कहा भाई तू कैसे जानता है, बोले साहब मैं सीएलसी में पढ़ा हुआ हूं श्रवण जी के पास। और दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, मैं कल परसों 2-3 महीने पहले कजाकिस्तान में गया, तो एक डॉक्टर प्राइवेट वहां क्लिनिक करता है, अच्छे पैसे कमाता है, वो मिलने के लिए मुझे होटल में मिलने के लिए आया, कुछ इंडियंस लोग आए उसके साथ में, और उसने कहा कि साहब मैं आपको जानता हूं, आप कई साल पहले एक बार हमारे सीएलसी में आए थे श्रवण जी के यहां पर। तो ये जो कजाकिस्तान, सिंगापुर, बंगलोर, अहमदाबाद, हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां पर आपके गुरुजी श्रवण सीएलसी की पहचान नहीं हो, कोई जानता नहीं हो, उनका कोई आदमी नहीं हो, वहां पर हर कोने में ऐसे लोग बैठे हैं जो देवता की तरह इनको पूजते हैं। क्यों? कि कोई व्यक्ति जब उसका जीवन बना देता है, उसको जीवन को सफल कर देता है, तो उससे बड़ी कोई चीज और नहीं हो सकती।